देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चोर कहने पर मामले में सूरत कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार कर दिया है। ये मामला बता दें 2019 का है, जब वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी के सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद उस मानहानि का मामला दर्ज हुआ। राहुल गांधी को 2 साल की जेल के तुरंत बाद ही बेल भी मिल गई है। आपको बता दें उन्होंने कहा कि उस सभी चोर का सामना उपनाम मोदी से होता है। राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री ने याचिका दायर करवाई थी। एक्सपर्ट्स की माने तो दोषी करार कर दिए गए राहुल की सदस्यता पर भी खतरा बन सकता है। जी हाँ, उन्हें वही 2 साल की सजा का भी ऐलान हो गया है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट में कहा है कि मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कोर्ट से सजा कम कराने की अपील की है और उन्हें बेल भी मिल गई है। वहीं अश्वनी चौबे ने बताया है कि राहुल गांधी को कोर्ट के कटघरे में खड़ा किया गया है। फिलहाल उन्हें लोकतंत्र के कटघरे में भी देखा जा रहा है। इस मंदिर में आके माफी मांगने की हिम्मत राहुल नहीं जुटा पा रहे हैं। बताते चले कि राहुल गांधी के खिलाफ IPC धारा 499-500 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इस मामले में आज तीसरी बार कोर्ट में वो पेश हुए। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की गई थी। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार कर दिया है और बड़ी खबर यह है कि 2 साल की उन्हें सजा भी सुनवाई गई है, लेकिन फिलहाल उन्हें बेल मिल गई है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।